नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। द यूजी की मेरिट लिस्ट के बारे में अभी तक के कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी आप सभी को। जैसा कि मैंने पहले भी रिपोर्ट में आप सभी को बताया था कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने कॉलेज में जाने के लिए, एडमिशन्स के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि मुजफ्फरपुर की बहुत कमी ऐसे कॉलेज है जो भी क्लासेस कराती हैं। तो यहाँ पे RDS कॉलेज आप देख सकते हैं, ये एक RDS कॉलेज है। यहाँ पे BSc, BA और BCom की जो है पढ़ाइयाँ होती है और BCA वगैरह की भी पढ़ाइयाँ होती है। तो यहाँ पे जो है क्लासेस जो हैं रेगुलर तो नहीं, बट हाँ वीकली क्लासेस जो है आप सभी की चलती हैं। और बिहार यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि गर्ल्स के कॉलेज में अगर आपने MDDM कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है क्लासेस चलेंगी। तो आप जो है अपने कॉलेज का जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं और क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मेरिट लिस्ट के ऊपर। बिहार यूनिवर्सिटी ने अभी तक के जो है मेरिट लिस्ट के ऊपर कोई भी रिपोर्ट नहीं निकाली, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी ने एक जो है आप सभी को हिंट दिया है और यहाँ पे कहा है कि आपकी मेरिट लिस्ट जल्दी निकलेगी। तो कल के रिपोर्ट में ही आपने पहले के रिपोर्ट में देखा होगा कि आज निकलने वाला है मेरिट लिस्ट, या कल का रिपोर्ट अगर आपने देखा होगा तो जिसमें कि कहा गया था कि मेरिट लिस्ट जो है इलेक्शंस के बाद और दुर्गा पूजा के बाद भी जो है आ सकती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है डेट जो है आपको बताई जा रही है। अगर मैं आपको बताऊँ एक्सपेक्टेड डेट तो कब आ सकता है, तो आपको 3 से 4 दिनों के अंदर में जो है पहला मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि जैसे ही दुर्गा पूजा दशहरा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको जो है पहला मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। उसमें जो आपका कट ऑफ आएगा, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए जो अलॉट किया जाएगा आप वहां जाकर के एडमिशन लेंगे। तो यहां पे तो है सबसे पहले बताया गया है कि सर्टिफिकेट जांच के बाद ही जो है स्नातक में एडमिशन, यहां पे आपका सर्टिफिकेट जांच किया जाएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा SLC वगैरह जो है CLC वगैरह जितना भी चीज़ है वो पहले जाँच होगा, आपका मार्कशीट वगैरह वो जाँच होने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं अपने कॉलेज में। तो BRA बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक में एडमिशन के लिए जो है दशहरा के तुरंत बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट में नाम वाले छात्र जो है संबंधित कॉलेज में जाकर के इंटर के जो प्रमाण पत्रों का जो है जाँच कराना है उनको, मतलब पहले जांच कराना, जांच के बाद जो है छात्रों का एडमिशन हो सकेगा। और आपको जांच कराना है जिस भी कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम निकलता है, आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लेकर के जाएंगे, इंटर का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लेकर के जाएंगे और अपने कॉलेज में जाकर के पहले तो वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद जो है आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा आपके कॉलेज का, और प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें आपके कॉलेज में कौन से कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको उसमें जो है जितने भी कोर्सेज हैं उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं उसी में आपको एक फॉर्म मिलेगा, या तो बहुत सारे कॉलेजेस जो होती है प्रोस्पेक्टस के साथ ही फॉर्म देती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर में फॉर्म लगा रहता है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि सीधे फॉर्म देती है आपको प्रोस्पेक्टस नहीं देती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने प्रोस्पेक्टस की जो है डिमांड करें अपने कॉलेज से, जिस भी कॉलेज में आप हैं प्रोस्पेक्टस से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती है। अगर आपका LNT कॉलेज होगा तो वहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस मिलता है उसमें कोर्सेज डिटेल्स साफ साफ क्लियरली मैंशन होते हैं, कितने मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, कौन से ईयर में कितना पेपर ऑनर्स पेपर होता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर दी रहती है। RDS कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस लेने की जरूर से जरूर कोशिश करें। MDDM में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप वहां पे जरूर से जरूर प्रोस्पेक्टस लेने की कोशिश करें। प्रोस्पेक्टस ज्यादा जरूरी चीजें हैं आपके लिए, अगर लेते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। आपको कोर्सेज की डिटेल्स मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे की डिटेल्स मैं इसी तरीके से आपको जो इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको एडमिशन की डेट्स यहां पर निकाली जाएगी तो आपको नवंबर 15 तक जो है एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का जो है यहां पर एडमिशन का जो है डेट दिया जाएगा, जैसा कि अनुमानित डेट यहां पर बताया जा रहा है। और हम आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि स्नातक में कई विषयों के सीट से कई गुना ज़्यादा जो है अधिक बच्चे जो है आवेदन किए हैं, ऐसे में छात्रों का दबाव अधिक होगा। मतलब ये बनता है कि आप जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, जिस भी ऑनर्स पेपर के लिए अप्लाई किया होगा, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो यहाँ पर सीटें कम होंगी। यानी कि जैसा कि बताया जा रहा है कि 13,000 सीटों पर 18,000, 19,000, 25,000 तक जो है एप्लीकेशन आए हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो है उच्च शिक्षा विभाग को जो है एक लेटर भेजा गया जिसमें कि कहा गया कि सीट बढ़ाई जाए। कोशिश यहाँ पे रहेगी कि 52,000 सीट जो है और भी बढ़ाया जाए, जिसमें कि हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह और BCom में अकाउंट्स ऑनर्स जो है बच्चे लेते हैं उनके लिए सीट्स को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। मैथ्स ऑनर्स में इस बार जो है बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं, तो इसको लेकर के जो है बातें चल रही है। अगर जैसे ही आपको यहाँ पे सीट भी मंजूरी मिल जाती है, 52,000 सीट की मंजूरी मिल जाती है, तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जब आपका आएगा तो उस सीट पे आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं निकलता है किसी कॉलेज में तो आप लोग घबराएंगे नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका जरूर से ज़रूर नाम निकलेगा। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि स्पॉट एडमिशन होता है। अगर आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम अगर नहीं आता है तो आपका क्या होगा कि स्पॉट एडमिशन, आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में जा करके अपना मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अगर सीट उस कॉलेज में बची हुई हो तो उस ऑनर्स पेपर के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हुई तो नीचे कमेंट कर। चलिए जाते जाते हम कुछ जानकारी आप सभी को देते जाते हैं। अगर सीटों पर दुर्गा पूजा के बाद तक जो है मुहर नहीं लगती है तो
107,000 सीटों के अनुसार ही जो है आप सभी का मेरिट लिस्ट निकलेगा। यहाँ पे जो है छुट्टी होने के कारण जो है इसे जारी करने में थोड़ी सी जो है डेट्स जो है बढ़ाई जा रही है। दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद 107,000 सीटों पर जो है आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मंजूरी नहीं मिलती है 52,000 सीट को बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे पहले की तरह ही जैसे पिछले साल 107,000 सीटें थी उसी पे जो है मेरिट लिस्ट की जो है यहाँ पे घोषणा की गई थी उसी तरीके से इस साल भी कुछ इसी तरीके से किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।